गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? होप सो कि सभी अच्छे होंगे। माय नेम इज विशाल बंसल। अभी तक हम डायरेक्टिंग यूनिट को कर रहे हैं बिजनेस में, और उसकी हम 3 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने डायरेक्टिंग और डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स के बारे में, फिर सुपरविजन के बारे में, फिर मोटिवेशन की हमारी 3rd वीडियो थी। आज मेरी जो 4th वीडियो है वो मोटिवेशन के ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के रिगार्डिंग है, वो है मैस्लो की नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैस्लो की जो नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी है वो मैस्लो ने 1943 में दी थी। मैस्लो ने अपनी हायरार्की थ्योरी के अंदर 5 स्टेप बताए थे मोटिवेशन के। सबसे पहले मैं उन्हीं के बारे में आपको बता देता हूँ। मैस्लो ने जब अपनी थ्योरी दी, नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी, तो उन्होंने कुछ अजम्पशन रखी। उन्होंने कहा कि ह्यूमन की कुछ नीड होती है जो उसे मोटिवेट करती है कोई काम करने के लिए, और ह्यूमन की जितनी भी नीड है उन्हें 5 लेवल में उसने डिवाइड कर दिया। और उन्होंने ये कहा कि जब तक व्यक्ति फर्स्ट लेवल क्लियर निकल लेगा तब तक वो सेकंड लेवल नीड पे नहीं जा सकता। जब सेकंड लेवल नीड कंप्लीट हो जाएगी तो वो 3rd लेवल नीड ऑफ पे जाएगा। जब 3rd लेवल की नीड कंप्लीट हो जाएगी तब वो 4th लेवल ऑफ नीड की तरफ जो है अग्रसर होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना कि जो मैस्लो की जो 5 स्टेप है उन्हें हम 2 तरीके से समझेंगे। एक तो ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में नीड क्या क्या हो सकती है, और एक सेल्फ पॉइंट ऑफ व्यू से कि मतलब वही नीड अगर मैं अपने बेसिक जीवन में देखता हूं तो क्या हो सकती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने जो है मैस्लो की नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी के अकॉर्डिंग एक पैरामिड जो है यहाँ पे बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं ट्रायंगल की शेप में। वहां पे मैंने 1, 2, 3, 4, 5 5 स्टेप लिए हैं, और वही 5 जो है मैस्लो की नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी के मेन पार्ट है। तो सबसे पहले मैस्लो ने कहा कि एक ह्यूमन की साइकोलॉजिकल नीड होती है। साइकोलॉजिकल नीड मतलब बेसिक नीड होती है जिसके बिना एक ह्यूमन नहीं रह सकता है। ठीक है, अगर पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेरी साइकोलॉजिकल नीड क्या हो सकती है, हर एक व्यक्ति की सबसे बेसिक नीड, सबसे जरूरत की चीज क्या हो सकती है। जरूरत की चीज एक ह्यूमन की हो सकती है लाइक फूड, लाइक शेल्टर, लाइक क्लोथ, मतलब रोटी कपड़ा मकान ही एक व्यक्ति की बेसिक जरूरतों की चीज हो सकती है। एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक ह्यूमन अपनी इन जरूरतों को पूरा करना चाहता है। लेकिन वही साइकोलॉजिकल नीड अगर हम ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक व्यक्ति की बेसिक नीड क्या है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक व्यक्ति की जो बेसिक नीड है, ऑर्गेनाइजेशन में बेसिक नीड जो है हमारी कि हमें एटलीस्ट एक बेसिक सैलरी मिल जाए। सैलरी जो मेरी स्किल को सूट करती हो, जो मेरे स्टैंडर्ड को सूट करती हो, जिसमें मैं अपनी कुछ बेसिक जरूरतों को पूरा कर सकूं। तो वो पर्सन अपनी क्या चाहता है, बेसिक सैलरी यहाँ पे चाहता है, किससे, कंपनी से। क्लियर है यहाँ पे। जब एक व्यक्ति की एक बेसिक नीड कंप्लीट हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर जो है मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक व्यक्ति अपनी दूसरी नीड पे जाएगा। मतलब जैसे मान लीजिए मैं अपनी रोटी कपड़े मकान की जरूरतों को पूरा कर चुका हूँ कि हार्ट लिस्ट में मैं इतना कैपेबल हो गया हूँ कि मैं अपनी रोटी कपड़ा मकान या फिर मैं एक बेसिक सैलरी प्राप्त कर सकता हूँ, तो मैं अपनी सेकंड नीड पे बढ़ूंगा। और सेकंड नीड क्या होगी, सेफ्टी या सिक्योरिटी। देखिए, अगर आपके पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है ना, इसमें आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपके पास रोटी कपड़ा मकान ये चीज आ चुकी है तो आप अपने सेकंड नीड पे बढ़ेंगे कि भाई आपको सेफ्टी चाहिए। अगर पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए तो मुझे सेफ्टी किस चीज से चाहिए, सेफ्टी मुझे चाहिए कि कोई भी व्यक्ति मेरा एक्सप्लोइटेशन ना कर सके। समझते हैं ना कि मतलब मुझे सेकंड या 3rd पर्सन से किसी तरह का कोई डर ना हो। राइट इन कंस्टिट्यूशन, आपको जो भी समाज ने अधिकार दिए हैं आपको वो सभी अधिकार मिले। मीन समानता का अधिकार, लाइक एजुकेशन का अधिकार, कल्चर का अधिकार, बिजनेस करने का अधिकार, निजता का अधिकार, ये अधिकार आपको मिलने चाहिए। ये अधिकार ही हमारी क्या है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है। क्लियर है पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर वही चीज हम ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ्टी और सिक्योरिटी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ्टी और सिक्योरिटी है कि मुझे एक जॉब सिक्योरिटी मिले। जॉब सिक्योरिटी से मीन क्या है आपका, कि जैसे देखिए गवर्नमेंट फील्ड में एक पर्सन क्यों काम करना ज्यादा पसंद करता है, क्योंकि वहां पे आपकी जॉब सिक्योर है, आपकी जॉब जो है गवर्नमेंट जल्दी से नहीं लेती है। ठीक है, लेकिन प्राइवेट फील्ड में हम काम करते टाइम क्यों डरते हैं, क्योंकि हमारी जॉब जो है वो सिक्योर नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको जॉब सिक्योरिटी जो है प्रोवाइड करवाए, एक अच्छी जो है जॉब हो, तो ये चीज आपको क्या, ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मोटिवेशन प्राप्त करवाएंगे। ठीक है, जब व्यक्ति की फर्स्ट और सेकंड दोनों नीड पूरी होगी तो वो 3rd नीड की तरफ बढ़ता है। 3rd नीड क्या है, एफिलिएशन और सोशल।
एफिलिएशन होता है स्नेह प्यार किसी व्यक्ति से मिलना, सोशल समाज, ठीक है। देखिए व्यक्ति दुनिया में अब तक अकेला है, जाता भी अकेला है, लेकिन आने और जाने के बीच में एक बहुत लंबा टाइम उसे इस पृथ्वी पे निकालना होता है, लेकिन वो जो लंबा टाइम है वो अकेले नहीं निकाल सकता है। अगर मैं अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मुझे जो है फैमिली की भी रिक्वायरमेंट है, मुझे जो है रिलेटिव्स की भी रिक्वायरमेंट है, मुझे जो है फ्रेंड की भी रिक्वायरमेंट है, समझ रहे हैं। ये मेरी किस नीड को पूरा कर रहे हैं, सोशल नीड को पूरा कर रहे हैं। इनके साथ मैं हंसता हूँ, खेलता हूँ, इनके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, ठीक है, अपने दुख सुख को बांटता हूँ, तो ये एफिलिएशन और सोशल नीड मुझे पूरा करवा रहे हैं। अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं कि सोशल नीड क्या है, तो वहां पे हो सकते हैं मेरे स्टाफ मेंबर्स, मेरे ग्रुप के जो मेंबर्स है वो मेरे साथ काम करे, ठीक है। अब देखिए कब अगर आपको किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में बिठा दे जिसमें सिर्फ अकेले आप बैठे हो और चारों तरफ दीवारें ही दीवारें हो, क्या आप वहां पे लंबे टाइम तक काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे? आप अकेले वहां पे बैठे किससे बात करेंगे, किसके साथ खाना शेयर करेंगे, किसके साथ जो है वो चीजों को शेयर करेंगे? इन दैट केस हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे स्टाफ मेंबर, अच्छे ग्रुप मेंबर्स होने चाहिए, अच्छे कलीग होने चाहिए जिनके साथ अपना टाइम स्पेंड कर सके, हंस बोल सके, समझ रहे। जब तीनों नीड पूरी हो जाती है तब आते हैं अपनी कुछ हाई लेवल की नीड पे। ये दो हाई लेवल की नीड है। सबसे पहले आते हैं एस्टीम नीड, फोर्थ लेवल। एस्टीम नीड क्या होती है? एस्टीम नीड होती है कोई ऐसी चीज जिसमें हमें किसी व्यक्ति को अपना इंट्रोडक्शन ना देना पड़े। मतलब हम कुछ ऐसे लेवल पे पहुंच गए हैं जहां पे लोग हमारे सामने आए तो अपना पहचान जाए कि हाँ जी ये वो व्यक्ति है। जैसे कि देखिए हम फिल्म स्टार को देखते हैं, फिल्म स्टार कोई भी आ जाए, लाइक कोई भी हीरो आ जाए, हीरोइन आ जाए, अभिषेक बच्चन हो गया, अमिताभ बच्चन हो गया, सलमान खान, अक्षय कुमार या दीपिका पादुकोण अगर हमारे सामने आ जाती है, हम उनको जैसे देखते तो हम उनको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि हाँ जी ये तो वो व्यक्ति है, समझ रहे हैं। तो वहां पे उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी है या विराट कोहली है, वहां पे उनको अपना रिकॉग्नाइजेशन देने की जरूरत नहीं है, हम उनको नाम से उनके काम से पहचानते हैं। तो जब हम अपने को इस काबिल बना ले कि लोग हमें जाने, लोग हमें पहचाने, लोग हमारे काम से हमें जाने, तो वहां पे हम अपनी किस नीड को पूरा कर रहे हैं? एस्टीम नीड को पूरा कर रहे हैं। तो एस्टीम नीड के अंदर मेनली हमारे पास क्या आता है? रिकॉग्नाइजेशन की, मतलब लोग हमें क्या करें, एडमायर करें, लोग हमें पहचाने, लोग हमें जाने। पॉलिटिशियन होते हैं, लाइक आपके एरिया में एमएलए हो गया, या फिर जो कोई पर्सन होता है, नोन होता है, जिसको लोग जानते हैं, मीन वो अपनी एस्टीम नीड को यहाँ पे फुलफिल कर रहा है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होता है जैसे कि जॉब टाइटल हो गया, जॉब टाइटल जैसे कि मैं लिख दूं यहाँ पे परचेज मैनेजर का पोस्ट हो गया, जैसे कि सीईओ की पोस्ट हो गई, है ना। यहाँ पे परचेज मैनेजर या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अब किसी कंपनी में काम करते होंगे तो उन्हें अलग से इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, लोग उन्हें उनके काम से पहचानते होंगे कि हाँ ही इज द परचेज मैनेजर, या ही इज द सेल मैनेजर, या ही इज द रिसर्च डेवलपमेंट मैनेजर, या ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी। यहाँ पे वहां हमें क्या मिल गया, एक स्टेटस मिल गया। यहाँ पे एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि स्टेटस की भी बात आ सकती है। स्टेटस भी जो है वो किसका पार्ट है? एस्टीम नीड का। स्टेटस मतलब एक अपने आप में ओहदा, मतलब हम जाए ऑफिस में और लोग हमें पहचाने, रिकॉग्नाइज करें, हमें सलाम करें, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बोले हमें, समझ रहे, वो एस्टीम नीड। समझ गए इस चीज को? एस्टीम नीड फुलफिल हो जाने के बाद हमारा जो फिफ्थ स्टेप और जो लास्ट स्टेप और जो सबसे हाई लेवल की नीड है वो है सेल्फ एक्यूलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्यूलाइजेशन नीड का मीन होता है जब आप अपने काम में स्पेशलाइजेशन हासिल कर ले। When you get a specialization in your work, then you get the self-actualization need. अपनी जब कोई व्यक्ति मतलब इस लेवल पे पहुंच जाए कि लोग उसे सिर्फ पहचाने ना, लेकिन उसका जो काम है उस काम की लोग इज्जत करने लग जाए कि ये व्यक्ति से बेस्ट काम कोई नहीं कर सकता। जैसे देखिए हीरो तो बहुत सारे हैं, अभिषेक बच्चन, रणबीर कपूर, रणबीर सिंह है, अमिताभ बच्चन है, सलमान खान है, बट फिर भी हम अमिताभ बच्चन को एक अलग से जो है ओहदा देते हैं कि ये जो है सहनशाह है बॉलीवुड का। क्यों है? क्योंकि लोग उसके काम की इज्जत करने लग गया, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब वो स्पेशलाइजेशन हासिल कर चुका अपनी फील्ड में। जब भी किसी भी काम को करेगा बहुत ही
स्पेशलाइज तरीके से करेगा, अदर जो है वो इतने स्पेशलाइज तरीके से उस काम को नहीं कर सकते, तो इन दैट केस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड को वो पूरा कर चुका है, समझे इस चीज को। और वहीं पे अगर हम ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से when target is achieved, or when we achieve our objective, or when you fulfill ग्रुप नॉर्म्स, मतलब अगर आप कभी कोई टारगेट अचीव कर ले या जो ऑब्जेक्ट आपको दिया गया था ऑब्जेक्ट को आप फुलफिल कर ले, आप अपने मकसद में काबिल हो जाए, तो वहां पे आपका क्या है ऑर्गेनाइजेशन में आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज पे पहुंच गए। जैसे देखिए परचेज मैनेजर, सेल मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, रिसर्च मैनेजर, मैनेजर तो बहुत सारे होते हैं, मतलब स्टेटस तो सबके पास है, एस्टिमेट तो सबके पास है, लेकिन हम अलग से ये कहें कि ये जो सेल मैनेजर है इसने अपना काम सबसे स्पेशलाइज तरीके से करा है, इसने कंपनी को सबसे ज्यादा प्रॉफिट पहुंचाया है, ब्लैक प्रोडक्शन कैसा भी है लेकिन उसने सेल को मैक्सिमम से मैक्सिमम पे पहुंचाने की कोशिश करी, हर एक वो एफर्ट करा जिससे सेल को बढ़ाया जा सके, इट्स मीन ही गेट द स्पेशलाइजेशन इन हिज वर्क, ही अचीव हिज ऑब्जेक्टिव, he is brilliant or he achieve his target group norms, तो वहां पे हम कौन सी स्टेज मानेंगे कि उसने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज को फुलफिल कर लिया है, समझ गए। तो ये जो है पांच नीड मैंने आपको डिस्क्राइब करी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उन पांचों स्टेप के आपको मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है ना। साइकोलॉजिकल नीड मीन्स बेसिक नीड, सेफ्टी मीन्स मीन्स सिक्योरिटी फ्रॉम द थर्ड पर्सन, एंड द एफिलिएशन और सोशल नीड मीन्स द फैमिली रिलेटिव या फिर अदर जो हमें मदद करे जो है करने के लिए। एस्टीम नीड मीन्स रिकॉग्नाइजेशन, समवन इज रिकॉग्नाइज यू, समवन रिकॉग्नाइज यू बाय द स्टेटस, यू बाय द योर जॉब टाइटल्स एटसेट्रा, एंड द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। क्लियर है? फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है फोन नंबर यहाँ पे मेंशन है, कभी भी आप कॉल करें, ठीक है, या फिर आप मैसेज करें व्हाट्सएप पे, उसके थ्रू मैं आपको उस प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश जरूर करूँ। बट ये जो है 12 सीबीएसई में 6 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली आने के चांसेस है, तो आप इसको बड़े अच्छे से करें इन चीजों को, ठीक है, दोनों को समझे और आपके काम आएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।